लेकिन बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सचिवालय जाना चाहते हैं, अपनी मांगों को ममता बनर्जी तक पहुंचाना चाहते हैं। 18-19 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं वो बेहद परेशान कर देने वाली इस लिहाज से भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि आप बल प्रयोग नहीं करेंगे अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहता है। लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही तमाम जो बैरिकेड्स हैं वो कर दिए गए, जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिए गए। और साफ तौर पर जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि कैसे पुलिस खदेड़ रही है, भगा रही है, लाठीचार्ज जो है वो कर रही है, जो डंडे उनके पास है उसका प्रयोग कर रही है। और लगातार आप देखेंगे कि चाहे वो फुटपाथ हो, सड़क हो, जहां से भी प्रोटेस्टर्स को भागने का रास्ता मिल रहा है उनको चेस करके जो है वो खदेड़ा जा रहा है। और तस्वीरें आप लगातार देखेंगे, अलग अलग लोकेशंस की तस्वीरें हैं जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस समय कोलकाता की सड़कों पर हो क्या रहा है। ये वो जगह है जहां पर एक अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर के साथ पहले रेप और हत्या कर दी जाती है, उसके बाद इंसाफ की मांग करने वाले ये सभी स्टूडेंट्स हैं, इंसाफ की मांग करने वाली ये वो महिलाएं सड़कों पर हैं जो कि ऑफिसेज जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, दफ्तर जाती है, नाइट शिफ्ट करती है, लेकिन उनको इंसाफ के बदले मिल क्या रहा। आप देखिए कि कैसे वो फुटपाथ के बीच में जो रेलिंग होती है उसको टाप के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भाग रहे हैं। वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पीछे से बल प्रयोग किया जा रहा है। उनके पीछे जो कोलकाता पुलिस के जवान हैं वो दौड़ रहे हैं, लाठी डंडे लेकर जो है वो दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोलों का जो इस्तेमाल है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें अलग अलग लोकेशन से आ रही है। सबसे पहली तस्वीर हमने जब आपको दिखाई थी तो वो हावड़ा ब्रिज की थी, और उसके बाद जो प्रोटेस्ट है वो अलग अलग रोड से होता हुआ कहीं ना कहीं सचिवालय तक जाने की कवायद। आप ये देखिए कि बसेस बीच में खड़ी हैं, ये बसेस वो बसेस हैं जिसके जरिए पुलिसकर्मी उस प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचे थे। और कैसे खदेड़ा जा रहा है, कैसे भगाया जा रहा है उसकी तस्वीर आप देखेंगे। रोड के दोनों तरफ को बंद किया गया, ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो नहीं है, लेकिन लाठीचार्ज करते हुए जो पुलिसकर्मी आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। आप ये देखिए कि कैसे जो लोग हैं वो फुटपाथ पर भागे, लेकिन लाठी डंडों से उन लोगों को दौड़ाया जा रहा है, लाठी डंडों से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भगाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि कैसे जो भीड़ है, आप ये देखिए कि एक शख्स को पकड़ा, वो बाइक के पीछे भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर लाठीचार्ज जो है वो साफ तौर पर किया गया। कोई फुटपाथ पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा है और पुलिसकर्मी जो है वो उसको चेस करते हुए आपको साफ तौर पर दिखेंगे। पुलिस का ये लाठीचार्ज की जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोलकाता की अलग अलग सड़कों पर इंसाफ की मांग करने वाले जो छात्र हैं उनको जो है वो लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप देखेंगे कुछ लोग जो मॉल पास में बना हुआ था उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, कोई संकरी गली के अंदर भागने की कोशिश करता है, अपने आप को पुलिस की जो लाठियां हैं उससे बचाने की कोशिश करता है। और तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे भगा भगा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। और ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं है, 6 ऐसी लोकेशंस हैं कोलकाता में सचिवालय के आसपास की जहां पर इसी तरीके की तस्वीर आप देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, किस तरीके से उनको घसीटा गया, घसीट कर उनको बसेस में बिठाया जा रहा है, उसके बाद एक जो अज्ञात जगह है वहां पर भेजा जा रहा है। डिटेन करने का सिलसिला सिर्फ हावड़ा ब्रिज का नहीं, #चौक और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से लोगों को डिटेन किया जा रहा है। जो लोग भाग पा रहे हैं वो भाग रहे हैं, लेकिन लाठी चार्ज करने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और सिर्फ एक लोकेशन से नहीं, मल्टीपल लोकेशन से लाठी चार्ज करने की तस्वीरें आ रही हैं। जिन जिन जगहों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया गया वहाँ पर तकरीबन 500-700 मीटर दूर तक जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है और बल प्रयोग किया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब बातों को देख कर ही अपनी आवाज़ उठाई थी और बोला था कि शांतिपूर्ण तरीके पर लाठी चार्ज ना करे एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आज हुआ क्या, आज तस्वीरें अलग अलग लोकेशन से इसी तरीके से देखने को मिल रही है। आप ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बिल्कुल खुला हुआ मैदान है जहां पर आप देखेंगे प्रोटेस्टर्स नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब बल प्रयोग किया तो उनके पास जो उनकी तकियां थी वो आपको जमीन पर पड़ी हुई नजर आ जाएंगी। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको खदेड़ा, जिसको जिस गली में जाने का रास्ता मिला वो उस गली में भागता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाता नजर आ रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे आंसू गैस के जब शेल छोड़े गए वो किन उस जगहों पर जाकर गिरे जहां पर प्रोटेस्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बीच में जाके गिरे। और आप ये तस्वीर आप देखेंगे गली के अंदर, ये रोड की तस्वीर आप देखेंगे जिसमें लगातार भागते हुए जो प्रोटेस्टर्स हैं प्रदर्शनकारी आपको भागते हुए नजर आ जाएंगे। लोग बता रहे थे कि किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, दरअसल लाठीचार्ज की तस्वीरें दिखा रहे आपको हम कोलकाता के अलग अलग जगहों से जहां पर उन लोकेशंस पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो डटे हुए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है, जो हट नहीं रहे उन पर लाठीचार्ज की जा रही है। सवाल दरअसल है कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये
निर्देश दिया था कि जो कोई शांति मार्च करना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहता है, उस पर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए और नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस की ओर से जिस तरीके से आज बल प्रयोग किया गया है, ये सवाल खड़े करता है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तिरंगा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके हाथों में कोई हथियार या कोई लाठी डंडे नहीं थे, वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, घेराव करना चाहते थे सचिवालय का। सचिवालय सेंटर में है और 5 से 6 जगह ऐसी हैं, 6 रास्ते ऐसे हैं जो सचिवालय को जोड़ते हैं, चाहे विक्टोरिया मेंशन का मार्ग हो, चाहे हावड़ा ब्रिज हो, चाहे इसके अलावा बाकी अन्य रास्ते हो, मुख्य चौराहे हो, उन सभी चौराहों पे पुलिस को इनपुट था कि प्रदर्शनकारी इकट्ठे होंगे और सचिवालय की ओर जाने का प्रयास करेंगे। तो तस्वीर दिखा रहे आपको गैस के जो गोले छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों के ऊपर, वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, और जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से झड़प है, जो बहस है वो दिख रही है प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में, जहाँ पे हॉट टॉक हो रही है, पीछे खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने आज जिस तरीके से बल प्रयोग किया है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, लाठी चार्ज की है, कई महिलाएं ऐसी जिनको गंभीर चोटें आई हैं उनका इलाज करवाया जा रहा है, और सड़कों पर RAF और पुलिस बल की जो तैनाती थी वो बताने के लिए काफ़ी थी किस तरीके से आज इंसाफ की राह में जो रोड़ा बनने का प्रयास किया गया पुलिस की ओर से, और तैयारी ऐसी जैसे ये कोई प्रदर्शन ना हो बल्कि कहीं और से आए हुए लोग हो जो अपराधी प्रवृत्ति के हो। हालांकि ये जो लोग थे ये आम लोग थे जो हाथों में तिरंगा लेकर के आए थे, और चोट उनके बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको चोटें लगी हुई हैं, और चोट लगने के चलते इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। लेकिन कई रास्ते ऐसे थे जहाँ पे कंटेनर लगा दिए गए थे, लोहे के कंटेनर के चलते प्रदर्शनकारी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जो रॉड लगाए गए थे उस पर मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था, एक्सपायर मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था, ताकि प्रदर्शनकारी अगर कोशिश करें उस रॉड को हटाने की तो उनके हाथ फिसले और वो गिर जाए और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर पाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारी इसके बावजूद भी आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन जो वाटर कंटेनर थे और जो बाकी जो गाड़ियाँ थी, चाहे वो आंसू गैस के गोले की हो, चाहे वो बाकी जो टुकड़ियाँ हो पुलिस की, जिस तरीके से उनकी ओर से बर्बरता दिखाई गई, कार्रवाई की गई, प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पाए। जहाँ पर मेरी मौजूदगी देखी आप कि ये जो पूरा का पूरा रास्ता है प्रदर्शनकारियों को खदेड़ खदेड़ के खाली करवा दिया गया है। आगे अभी भी आप देख रहे होंगे कि कंटेनर खड़ा किया गया है। कंटेनर खड़ा करने का मतलब ये है कि आगे आपको नहीं जाना है। कंटेनर के साथ साथ जो बांस बल्लियाँ हैं, इसके अलावा जो लोहे की बल्लियाँ हैं उस पर मोबाइल का इस्तेमाल, इसके अलावा एल्युमिनियम के तारे, तो ये कील कांटे और तारे जो बिछाए गए थे प्रदर्शनकारियों की राहों में, वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। और शायद यही वजह रही कि जो प्रदर्शनकारी है वो सचिवालय तक नहीं पहुँच पाए, आज उनको रास्ते में रोक लिया गया। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया विक्टोरिया मेंशन या इसके अलावा हावड़ा ब्रिज के दोनों छोर, दोनों ही जगहों पर उनको रोक लिया गया और वो आगे नहीं बढ़ पाए। सचिवालय तक पहुँचने का प्लान था उनका और वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो मिलाकर के प्रदर्शन जो था वो शांतिपूर्वक चल रहा था। स्टूडेंट्स ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो उसे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन आज पुलिस की ओर से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, ये लाइव तस्वीरें हैं लाठी चार्ज की, पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले की, उसके बाद अब जिस तरीके से पुलिस खदेड़ रही है प्रदर्शनकारियों को, लाठियां भाज रही है, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कोलकाता से लाइव तस्वीरें, जहाँ पे अब जो है प्रदर्शन को खत्म करने की ओर आगे पुलिस बढ़ रही है, क्योंकि मैक्सिमम जगहों को खाली करवा दिया गया है। लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी बची है जहाँ पे प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, लोहा ले रहे हैं पुलिस से, और अब पुलिस की ओर से उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, क्योंकि अब पुलिस जो है जो प्लान था उसके हिसाब से 2 बजे के बाद खत्म कर देने का था, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका प्लान अभी भी कि जो बच जाएंगे उस सचिवालय तक जाएंगे, लेकिन जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे इसमें अभी भी संशय है, क्योंकि मैक्सिमम जगहों को खाली करवा दिया गया है। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे इस इलाके को खाली करवा दिया गया है। इसके अलावा इसके बगल में जो रास्ता जाता है मुख्यमंत्री आवास के लिए, सचिवालय के लिए, उसको रोक लिया गया है। हावड़ा ब्रिज जहाँ पे सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं बवाल चल रहा है, उसको भी खाली करवा दिया गया है। कुछ जगहों तक तो प्रदर्शनकारी पहुंच भी नहीं पाए, उनको पहुंचने से पहले उस जगह से ही खदेड़ दिया गया। तो प्रदर्शनकारियों के साथ जो पुलिस का व्यवहार रहा, जो रवैया रहा, उसको लेकर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं, बीजेपी ने भी आरोप लगाया है और ये कहा है कि दरअसल ये तानाशाही रवैया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है वो कहीं से यहाँ पे काबिले एक्सेप्टेबल नहीं है। फिलहाल